पैकिंग वैकिंग का अपन ने कुछ दिखाया नहीं था क्योंकि अपने को टाइम ही नहीं मिला भाई। ऐसे आधे घंटे में हमने सारा सामान दूर दूर करके भर दिया जो भरना था। हमें खुद को भी नहीं पता कौन से बैग में कौन सा सामान है अभी। सारा सामान वो बस में। हाँ, ये दीदी चल रही है, वो मम्मी चल रही है। अभी हम लोग हैं जोधपुर रेलवे स्टेशन और इस बार मैंने अपना फ़ोन मम्मी को पकड़ा दिया था क्योंकि अब किसी ने मेरी जेब में से निकाल दिया ना भाई, मैं बता रहा हूँ बहुत मारूंगा मैं। अभी हम जा रहे हैं मंडोर एक्सप्रेस ढूंढने, जूते लेने। कहाँ है ये मंडोर एक्सप्रेस? अपडेट गाइस, मंडोर एक्सप्रेस पहले से खड़ी है, हमें ढूंढनी नहीं पड़ेगी। अभी हम अपना कोच ढूंढ रहे हैं सेकंड एसी का A2। तो मेरे बैग पे मैंने वो स्टिकर नहीं लगाया, मैंने फ़ोन पे लगा रखा है। मेरे बैग पे एक स्टिकर लगाना है जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ है, वो मैं लगाऊंगा। थोड़ा धीरे चल लो, 15 मिनट गाड़ी खड़ी फिर भी दौड़ रहे हो भाई। ऐसे दौड़ रहे जैसे पता नहीं ट्रेन छूट रही है। ये खड़ी तो है, यहीं पर घुस जाएंगे। हाँ तो अभी कितना टाइम है? 8:15 चलेगी ये। 10 मिनट में तो मैं यहाँ से दोबारा चक्कर मार के आ जाऊँगा। तू मार लेगा ना, मेरे से नहीं मरीजे का। बैठ जाओ कंधे पे। मेरे को कुछ दिख रहा नहीं, वो ठीक है। स्लीपिंग टाइम लौंडो, सो गए। रात के अभी बज रहे हैं 11:15। सब सो चुके हैं, मम्मी उधर सो रही है, तुम्हें दिखेगी नहीं। वो सो रही हूँ, दिख रही है, हाथ हिलता वो दिख रहा है, मम्मी का ही हाथ है वो। तो बस डन फॉर द डे, आज का बस यहीं तक था सारा। हम लोग निकल आए ट्रेन में, बैठे हैं, सुबह टाइम से पहुँच जाएंगे मंडोर एक्सप्रेस से। फिर वहाँ से हमारी फ्लाइट है ले के लिए, और ले हम पहुंच जाएंगे फ्लाइट साइजिंग 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो डन फॉर टुडे, गुड नाइट, कल मिलते हैं एक नए दिन के साथ सीधा लद्दाख में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। दिल्ली रेलवे स्टेशन आ गए सुबह सुबह, मम्मी दीदी और ये अपना सारा सामान, और अपन वेट कर रहे हैं कैब का। और ये वही जगह है जहाँ से मेरी जेब में से 11 निकाला था, इसी भीड़ में कहीं वो छुपा होगा अभी भी, मेरा 14 प्रो मैक्स देख रहा होगा। शुभ शुभ बोलो। अभी यहाँ से कैब का वेट कर रहे हैं, यहाँ से फिर जाएंगे एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से फ्लाइट और फिर सीधा लगता। ठीक है, तो कैब में मिलते हैं अपन, ज़्यादा देर फ़ोन बाहर नहीं निकालेंगे, रेस्ट नहीं ले सकते ज़िंदगी में। कुछ कहना है? पहुँच गए, मिलते हैं लद्दाख, मिलते हैं लद्दाख में, बाय। अभी हम एयरपोर्ट पे ऐसे घूम रहे थे और मुझे लग गई भूख, मतलब सबको ही लग रही थी, तो हमें दूर से ये दिख गया पिज़्ज़ा हट दिख गया। तो भाई जिधर भी तुम्हें पिज़्ज़ा हट दिख जाए, पिज़्ज़ा तो जाने, पिज़्ज़ा खाने का, ठीक है, जिधर भी तुम्हें पिज़्ज़ा हट दिख जाए ना, पिज़्ज़ा खाने का, शर्माने का नहीं ब्रो। और पिज़्ज़ा मेरा इतना फेवरेट है ना, ऐसे दिन में चाहो, रात को चाहो, जब चाहो खिला लो, और इनको बोलो यहाँ से बाहर जाए। मैं नहीं चाहता इनको यहाँ देख, बट ठीक है। पिज़्ज़ा आ गया अपना, पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड, कोल्ड ड्रिंक्स, माउंटेन ड्यू लेके आया हूँ मैं। और ये दीदी अपना काम कर रही है, गार्लिक ब्रेड गाइस, लेट्स हैव अ बाइट। भाई कितनी गार्लिक ब्रेड है? 2 तो आधे आधे और आधे आधे कर रही ठीक है ना? क्यों तुम आधे आधे करो? क्यों? ओहो, हमारी तो बन जाते चीज़ तो है।
गुड क्वालिटी ऑफ चीज ऑलवेज मेक्स मी हैप्पी। जिंदगी में प्यार नहीं लिखा गाइज, ना बंदी लिखी है, लेकिन गार्लिक ब्रेड में दिल लिखा है, देख रहे हो तुम। एवरीथिंग रिमाइंड्स मी ऑफ हर, ऐसे होता ना। दिल बना पैंचो। पिज्जा वालों, भगवान माफ नहीं करेगा। देख के बुरा लग रहा है अपने लिए, पता नहीं क्यों अचानक से मैं अपने आप को ज्यादा सिंगल फील कर रहा हूँ, बट ठीक है। गार्लिक ब्रेड आई लव यू टू। जिन्हें लगता है ना दिल टूटता नहीं है, अभी देखो तुम, ये मेरा कंटेंट रह गया था, वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जिन्हें लगता है दिल टूटता नहीं हो, अभी देखो, ले ये तोड़ियो इसको। छन से जो टूटे कोई सपना, आ दिल टूट गया। खा भी रही है भाई, देख रहे हो, बेशरम। भाई हमने क्या पाप कर रखे हैं, हमें बता दो इंडिगो वालों, तुम्हारी फ्लाइट ने ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को पायलट बनाओ हैशटैग गर्ल पावर। अरे ये तो खड़े तुमने यहाँ पे 36 लौंडे रखे हुए, एक लड़की खड़ी है, हैं अभी बेइज्जती करूँगा, अच्छा लगेगा? इस लोग इसको चेंज करो और एक और लाइन भी लिखो वरना इसके साथ। सही बात है ना भाई, मेरे साथ भी लड़की बैठी है, अग्री कर रही है, अग्री कर कर अग्री, फेंक दूंगा नीचे, कर अग्री। भाई बदतमीजी की हद होती है भाई, फेमिनिज्म के अभी अच्छा मैं अकेला नहीं हूँ, सिर्फ एक कन्या है, सिर्फ एक कन्या, देख रही है इतनी पावर का क्या करेंगे हम, इतनी पावर का करेंगे क्या, चार लौंडे इससे ज्यादा पावर लगा लेंगे, क्यों लौंडो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, कमेंट डाउन कि क्या करना चाहिए। फ्लाइट में बैठे हैं, विंडो सीट लिया हम लोगों ने, और ये अंदर आकर के मच्छर मार रही है, मच्छर मारना मना थोड़ी ना, मच्छर खाएगा नहीं, और वो भी ऐसे ऐसे करके। तो ऐसे ऐसा नहीं कि लोग बैठ चुके, नहीं ऐसे मार रही है, थोड़ी तो इज्जत कर, फ्लाइट में बैठो, ट्रेन में थोड़ी ना, ऐसे ऐसे कौन आए करता है। क्या करना भाई, कुछ नहीं कर सकते, मिल फ्लाइट टेक ऑफ हो गई है गाइस, फाइनली 12:30 पहुंच गए, एक घंटे बैठे ले अपन लोग इधर हवा में, किसी को ऐसे नीचे से हाय बोलना तो घर से बाहर आकर के हाय बोल देना, ठीक है। पहुंच गए फाइनली, लिए में लैंड हो गए, इससे पहले तुमने वीडियो देख ली होगी सारी सीन्स की, सब कुछ देखो, टर्बुलेंस फील करना था वो भी कर लिया, ऐसा लग रहा था पंचो जोधपुर की सड़क पे प्लेन चल रहा है। चलो इधर पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, शूट नहीं कर सकते यहाँ पर, तो एक बार इधर से बाहर निकल के सारा कुछ जाने के बाद फिर तुम लोगों से मिलते हैं, और अपन पहुँच चुके हैं कहाँ, मिलते थोड़ी देर में, मिलते बाय। टैक्सी ले लिया लौंडो, और अब जा रहे हैं होटल लेजरमो, दीदी मम्मी, और ये हमारे हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने वाले भैया हमारे साथ जाएंगे होटल, उसके बाद देखते हैं क्या करना है अभी।
फ्लाइट से उधर का भाई इतना सेक्सी सीन है ना यहाँ पे, इतने सेक्सी। ऐसे प्लेन में बैठे तो बंद कर रहा था, कूद जाओ इधर। अभी तुम वो देखो वो पहाड़ दिख रहे हैं वहाँ पर, कितना ब्यूटीफुल है यार मम्मा। पहाड़ों पे ऐसा बर्फ गिरी है और इतना भाई इतना सुंदर है ना कसम से, मतलब एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद इतनी सुंदर चीजें है ना, मैं तो एयरपोर्ट पे ही बैठ सकता था पालती मार के, जाने का ही नहीं मेरे को किधर पे। चलो अभी जा रहे हैं अपन होटल, कैब बुक कर लिए, टाइम से पहुंच जाएंगे होटल। जाने के बाद चेक इन करने के बाद होटल कैसे है सब कुछ बताते हैं, ठीक है? क्या क्या हुआ, कैसे कैसे गया सब कुछ। तब तक बाय गाइस।